सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को, और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जैन दोस्तों, बात करने वाले यूपीएसआई 2019 की न्यू वैकेंसी के बारे में। जी हां, यहां पे एकदम कंफर्म इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन, और पूरा क्लियर हो गया है कि कब आपकी वैकेंसी आ जाएंगी, कब तक आपका रिटर्न एग्जाम होगा और कब तक आपका फिजिकल करवाया जाएगा। पूरा शेड्यूल यहाँ पर बता दिया गया है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं, और यहाँ पे बात भी करेंगे कि न्यू वैकेंसी अनाउंसमेंट के और ट्रिपल सी का क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियली यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उप निरीक्षक भर्ती 2019 अगले महीने जारी होगी विज्ञप्ति, नवम्बर में परीक्षा और फरवरी में दौड़। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि अगले महीने तक आपकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, यानी अभी चल रहा है अगस्त, और सितंबर में आपकी जो नोटिफिकेशन होगा वो आउट कर दिया जाएगा, और नवंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, और फरवरी में आपका फिजिकल, यानी जो भी प्रोसेस है बहुत फास्ट तरीके से करवाई जाएंगी। पूरी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 5000 से अधिक पदों पर के लिए होगी भर्ती, और यहाँ पे उप निरीक्षक बनने वालों के लिए भर्ती के इंतजार कर रहे नौजवानों के लिए खुशखबरी है। भर्ती बोर्ड पुलिस उप निरीक्षक के 5000 से अधिक पदों के लिए अगले महीने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। सितंबर के अंत तक में भर्ती का विज्ञापन निकलेगा, नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में लिखित परीक्षा कराई जाएगी, और अगले वर्ष 2020 फरवरी माह में दौड़ कराने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष आर राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि 5000 से अधिक पुलिस उप निरीक्षकों के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया सितंबर के अंत में शुरू हो जाएगी। इन पदों पर परीक्षा कराने के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है, इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। तो ये चीज़ भी क्लियर कर दी गई है कि इसके लिए जो टेंडर है वो आमंत्रित कर दिए गए हैं। एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अगले एक महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। विश्वकर्मा ने बताया कि इस भर्ती के लिए जो भी युवक गंभीर हैं और पुलिस में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं वो अपनी तैयारियां शुरू कर दें। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि जो इसके लिए टेंडर वगैरह है वो दे दिया गया है, और एजेंसी का चयन किया जा रहा है जो आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, और फटाफट से इस भर्ती को कम्प्लीट करवा लिया जाएगा। जो कि राजकुमार विश्वकर्मा जो कि प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये चीज़ बोला गया, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो अभी से यूपीएसआई की वैकेंसी की तैयारी शुरू कर दें। अगर वो आप यहाँ पे अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, और यहाँ पे कुछ चेंजेस की अगर मैं बात करूँ कि आदिवासियों के लिए पहली बार अलग से परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। जी हाँ, सबसे अधिक जो आदिवासी हैं वो निवास करते हैं सोनभद्र एरिया में, तो सोनभद्र में अलग से उनके लिए जो एग्जाम सेंटर होंगे और वहीं पर उनका फिजिकल करवाया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी लोग भी भर्ती हो सकें, उन्हें चांस मिल सके, क्योंकि लास्ट टाइम इससे अगर हम बात करें और भर्तियों में एक भी आदिवासी भर्ती नहीं हो पाया था। बात आ जाती है ट्रिपल सी की कि क्या इस भर्ती में ट्रिपल सी की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाई मैं आप सभी को कर दूं क्लियर एकदम कि ट्रिपल सी का ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आई है कि ट्रिपल सी इसमें ज़रूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई लेखपाल की भर्ती नहीं चल रही है कि आपको इसके लिए ट्रिपल सी की ज़रूरत पड़े। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ट्रिपल सी की आपको कोई भी आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ये चीज़ क्लियर है। और कोई इंपॉर्टेंट चेंजेस नहीं होंगे, जो भी चेंजेस हैं मैं आप सभी को बता चुका हूँ। जैसे कि 50% की अनिवार्यता थी कि आपको हर एक सब्जेक्ट में ईच पर सब्जेक्ट आपको 50% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, वो अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब 35% केवल आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे ईच पर सब्जेक्ट, लेकिन जो ओवरऑल आपका स्कोर होना चाहिए वो कम से कम 50% होना चाहिए, तभी जाके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं आप सभी को दे चुका हूँ, चाहे तो वो जाके वीडियो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सभी की नॉलेज के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। 5000 प्लस पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकलेगी, काफ़ी बढ़िया वैकेंसी होंगी, और फटाफट से इस भर्ती को कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो मेरी तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, फटाफट से आप यूपीएसआई की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, तो बम्पर भर्ती यहाँ पर आप सभी के लिए निकलने वाली है। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से रेड आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।